वाहन की व्यवस्था नहीं है, दूल्हे के अपने वाहन की व्यवस्था नहीं है, आपके लिए क्या करेंगे? इसलिए कोई आकर नहीं कहेगा कि हम किस गाड़ी में बैठे, कोई गाड़ी नहीं, सब अपन अपन गाड़ी लेकर आएंगे। देवता गए, विवाह का दिन आ गया, 5 बजे बारात निकलनी है, 3 बजा है, 2 घंटा पहले शंकर भगवान आनंद में बैठे हैं कैलाश पर कि जैसे बाबा के बराती देवता आएंगे तो हमको चलना है, बस करना क्या है 5 बजे। लेकिन बाबा के गण बेचैन है। शंकर जी ने गणों से पूछा, तुम लोग बेचैन क्यों हो? गण बोले, बताइए प्रभु, 2 घंटे बाद आपको दूल्हा बन के निकलना है, एक भी देवता आपको सजाने के लिए आज नहीं आए यहाँ पर। शंकर जी बोले, अपने से टाइम मिलेगा तब ना हमारी याद आएगी, सब देवता अपने श्रृंगार में बिजी हैं। यहाँ लिखा है, बाबा कहते हैं, लगे सवारन सकल सुर, क्या समार रहे हैं, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, करही अपचरागान। देवता अपने अपने वाहन विमान को सजा रहे हैं, अपने को सजा चुके हैं। ब्रह्मा जी हंस को सजाने में बिजी हैं, विष्णु भगवान गरुण जी को नहला करके खूब बढ़िया चांदनी, मरून कलर की चांदनी ओढ़ा करके उनके ऊपर गले में माला पहना करके सेंट लगा रहे हैं। किसको? गरुण जी को, अपने वाहन को। यमराज अपने काले कलूटे भैंसे को रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। क्यों? इंद्र का वाहन देख लिया ऐरावत हाथी, सोचा इंद्र का वाहन व्हाइट, हमारा वाहन ब्लैक, वो भैंसे को रगड़ के सजा रहे हैं, इंद्र ऐरावत को सजा रहे हैं। कुबेर के पास एरोप्लेन है, पुष्पक विमान, वो पुष्पक विमान में फुलझड़ी लगा रहे हैं। वो चाइना का भुकभुकिया लाइट आवत है ना, ऐसे ऐसे वाला लाइट लगा रहे हैं, लड़ियां लटका रहे हैं उस पर। कोई बकरे को सजा रहा है, कोई मगर को सजा रहा है, लेकिन कोई देवता ये नहीं सोच रहे हैं कि जिसके विवाह में चलना है उनको कौन सजाएगा, कोई नहीं सोच रहा है। शंकर भगवान ने गणों से कहा, देखो मेरा श्रृंगार करना ये देवताओं की बस की बात नहीं है। क्यों? शंकर का श्रृंगार वही कर सकता है जो शंकर के मन को समझता है, और मेरे मन को, मेरे गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए जितना सुंदर आप श्रृंगार करेंगे कोई नहीं कर सकता, आप लोग मुझे सजाइए, बाबा बोल के बैठ गए। जैसे बाबा बैठे, बाबा के गण फंस गए। क्यों? जीवन में कभी अपना डेकोरेशन नहीं किया था, बाबा का कैसे करेंगे? जैसे बाबा वैसे बाबा के गण, वो कभी अपने को नहीं सजाए। अब पहले बार ही दूल्हे का टेंडर मिल गया उनको, शंकर भगवान बैठ गए। देखिए बाबा का गण उधर से बोलने लगा, बाबा बैठ गए, बाबा का गण श्रृंगार प्रारंभ किए। हाँ हाँ, हो रहा है भाई, गण बोल रहे बाबा के। आइए, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी किन पंक्तियों के साथ, स्वरूप है बाबू, कहाँ है, सामने कोई स्वरूप है, झांकी है, यजमान परिवार में से कोई एक लोग आके पर्दा हटा दे केवल। कोई भी यजमान परिवार में से कोई एक व्यक्ति आ जाए, बाबा आ जाए, फिर कथा में आगे प्रवेश करते हैं। जिसको बुलाना पहले बुला लीजिए, जल्दी एक एक लोगों को ना बुलाइए। हाँ, अब बैठ जाइए, अब बारात में चलना है, बैठ जाइए, 5 मिनट में बाबा तैयार हो जाए, फिर चलते हैं बारात में, बैठिए। हाँ।
आइए हम और आप साथ में गाते हैं बाबा के गण, बाबा का श्रृंगार प्रारंभ किए। शिव ही शंभु गण करहिं श्रृंगार, शिव ही शंभु गण करहिं श्रृंगार, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे पट के हर छाला, विभूति पट के हर छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, और कर त्रिशूल भगवान शंकर एक शिला पर बैठ गए, बाबा के गण भृंगी श्रृंगी इनका श्रृंगार प्रारंभ किए। सबसे पहले समझ में नहीं आ रहा था कहां से शुरू किया जाए, तो गणों की दृष्टि भगवान शंकर की जटाओं पर गई। काम दहन के समय क्रोध के कारण शंकर जी की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा पहले इन जटाओं को समेटा जाए, जटाओं को सिर पे समेटना प्रारंभ किए, और समेटते समेटते ऐसा समेट दिया कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट बना, एक गण बोला बस बस छूना मत अब, क्यों टोपी का काम खत्म, ये दूल्हे का टोपी तैयार हो गया। एक ने कहा कितनों टोपी पहना दो, दूल्हा जब तक मौर न लगाए तब तक दूल्हा कैसे कहलाएगा। मौर समझते हैं आप लोग, मौर मौर उसको सेहरा बोलते हैं, यहां ऊपर उठा हुआ रहता है और सामने से ऐसे लड़ियां झूलती हैं चेहरे के आगे, समझ में आया ना। एक ने कहा कितनों टोपी पहनाओ जब तक दूल्हा मौर न लगाए तब तक दूल्हा कैसा। अब मौर कहां बने, वहां कोई मार्केट है नहीं कि खरीद के आ जाएगा। एक गण बोला रुको हम टेम्पररी मौर बनाते हैं। हाँ, गया एक जगह, लगभग 3-4 हजार सांप नाच रहे थे। गण जाकर सांपों के सामने खड़ा होकर बोला कि तुम में से 10 mm से जितने पतले हो सब बाहर निकलो। जैसे कहा सरकार, पतले पतले 350-400 सांप बाहर निकल गए, रंग बिरंगी सांप। उनमें से सुंदर सुंदर सांपों को
लेकर के 35-40 सांपों को पकड़ के उठाया, सबके सिर को ऊपर करके सिर के पास बांधा और ले जाकर कहा, जैसे बाबा के सिर पे रखूंगा, सावधान सभी सांप अपना अपना स्थान फिक्स कर लो, अपना अपना फन फैला देना है। सांप बोले बिल्कुल तैयार रहेंगे। गणों ने ले जाकर जैसे बाबा के जटाओं के ऊपर पहनाया, सभी सर्पों ने अपना अपना फन ऊपर फैला लिया और सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। बाबा पूंछ हटा के पूछे, ई का है हो? गण बोले, बाबा टच मत करिए, मौर है आपका वो। शंकर जी बोले, चलो बहुत बढ़िया किए, इन लोगों को मौर बना के पहना दिए। क्यों? सुना है मौर शादी के बाद गंगा जी में बहा दिया जाता था। मैं भी टेंशन में था कि एक बार जिसको सिर पे धारण कर लूंगा उसको गंगा जी में विसर्जन कैसे होने दूंगा मैं। तुम लोगों ने ऐसा मौर पहनाया है जिसको विसर्जन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बाबा गदगद। अब आभूषण शुरू हुआ, कान में कुंडल सांप का, हाथ में कंगन सांप का। लेकिन ये न समझिएगा कि जो सांप मिला उसी से लपेट दिए, नहीं। सबका नाम है, करकोटक और कुलकी नाम के सर्प से कुंडल बना। सरकार दोनों जुड़वा भाई थे, एकदम एक जैसे। सर्पों ने मैचिंग का पूरा ध्यान रखा था, ऐसा नहीं कि इधर पीला सांप लगा दिया इधर हरा सांप लगा दिया, नहीं। दोनों सांप बिल्कुल एक जैसे, कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से कुंडल कंगन बना हाथ का, शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजू बंद बना। एक गण वासुकी सर्प को उठाकर बाबा के वक्षस्थल सीने पे लपेटने लगा। शंकर जी पूछे, ये क्यों लगा रहे हो? उसने कहा, प्रभु आपका यज्ञोपवीत है, ये जनेऊ है आपका, छुइएगा मत। सिर से पांव तक बाबा सर्प से सज गए। अब गण सोचने लगे कुछ छूट तो नहीं गया। एक गण ने कहा, एक कमी रह गई, दूल्हा जो जाता है महीनों से फेसियल कराता है, अरे नहीं फेसियल कम से कम पाउडर लग जाए एक बार बाबा को। अब कैलाश में पाउडर कहाँ से मिले? एक गण बोला, मैं अभी लेकर आता हूँ। गया श्मशान, अभी अभी एक चिता शांत बैठी, श्मशान से चिता का भस्म उठा के सब लाए और लगाए नहीं, लेप दिए। सरकार लगाना लेपना अलग है, लगाने का मतलब हम लोग पाउडर लगाते हैं ना, तो पाउडर लगा के मिला लेते हैं। गण ऐसे नहीं लगाए, लेप दिए, भस्म लेके पूरा छाप दिए शरीर पर, सिर से पांव तक। एक तो बाबा पहले से गोरे, ऊपर से भस्म का लेपन हो गया। भस्म के लेपन के बाद तीन नेत्र, इधर वाइट, बीच में गला एकदम डार्क ब्लू, नीलकंठ, हलाहल विष के कारण गला नीला पड़ा हुआ है। ललाट पर दूज के चंद्रमा है, सिर पर देव नदी माँ गंगा है। एक गण ने कहा कि गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला पहन लेते ना। एक गण बोला, हम भी यही सोच रहे थे, लेकिन हम कौन सी माला पहनाया जाए, कोई भी माला पहनाएंगे जाते जाते वो सूख जाएगा। एक गण ने कहा कि हम तो एक ऐसा माला पहना बनाना जानते हैं जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है मेरी, वो कभी मुरझाएगा नहीं, हमेशा मुस्कुराता रहेगा। शंकर जी बोले, फिर उसी माला को पहनाओ। गण गया श्मशान, अब की बार 40-50 खोपड़ी लेकर आया नरमुंड, और सभी खोपड़ियों को एक पतले लंबे सांप में डाल करके, सांप का सिर पूंछ बांध करके बाबा के गले में पहना दिए। सभी खोपड़ियों के दांत खिलखिला के मुस्कुरा रहे थे। बाबा देखते हैं मुस्कुराता हुआ माला पहने, बाबा इसकी लाइफ टाइम गारंटी है मेरी, मुरझाएगा ही नहीं कभी। शंकर जी बोले, जितना मुरझाना था मुरझा चुका है, अभी अब कब मुरझाएगा? एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर बाबा जैसे खड़े भय। गणों की दृष्टि गई कि बाबा तो कुछ पहने ही नहीं है। गणों का चेहरा उतर गया। शंकर जी बोले, क्या हुआ, कितना सुंदर सजाए हो? गण बोले, प्रभु इस तरह चलेंगे? तो बाबा पूछे, किस तरह चलेंगे? गणों ने कहा, प्रभु आप दूल्हा बन के जा रहे हैं, इस तरह यदि आप पहुंच गए बवाल हो जाएगा वहां पर, आप कुछ पहने नहीं है। शंकर जी बोले, कभी नहीं पहनते हैं। गणों ने कहा, प्रभु आज पहनना पड़ेगा। शंकर जी बोले, पहनाओ। क्या पहनाए? तो जिस बागंबर के ऊपर बाबा बैठे थे उसी बागंबर को गणों ने उठाया
और कमर में ले जाके लपेट दिया। जैसे लपेट के गण हटा, 2 मिनट बाद वो बागंबर खुल गया, फिर लपेटे फिर खुल गया, वो टिके ही नहीं। एक गण बोला रुको मैं कोई उपाय करता हूं, गया। एक पतला काला रंग का सांप, एकदम रस्सी जैसा पतला, खूब तेजी से नाच रहा था अकेले। वो अपना स्टेप याद कर रहा था, बारात में नाचना होगा ना, तो कोई स्टेप ना भूल जाऊं मैं। तेजी से नाच रहा था, गण जाकर 2 मिनट खड़ा हुआ। सांप ने प्रणाम करके पूछा क्या बात है? गण बोला तुमसे बेटा ना हो पाएगा। बोला क्यों ना हो पाएगा? बोले तुम जितना हिल रहे हो, तुमको ऐसे जगह ड्यूटी पे लगाना है जहां का कंडीशन है हिलना मना है, और तुम तब से नाच रहे हो। गण बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। गण ने कहा, सांप ने कहा बिल्कुल नहीं हिलूंगा। गण ने कहा ऐसे नहीं, वचन दो जब तक बाप। नंदी पर विराजमान हो गए। बाबा नंदी भृंगी श्रृंगी चारों आनंद में है, प्रतीक्षा हो रही है। जैसे 5 बजे देवता बराती बनकर आवे चला जाए, जैसे 5 बजा हो, सारे देवता अपनी अपनी देवियों के साथ अपने अपने विमान पर बैठकर कैलाश पहुंचे। जितनी देवियां थी देवताओं की, सब देवियां एक जगह जमा हो गई और ढूंढने लगी किसको। देवता नहीं ढूंढ रहे, देवियां ढूंढ रही हैं। न जाने माताओं को दूल्हा देखने में क्यों इतना सुख मिलता है, भगवान जाने। देवियां खड़ी हो गई, शंकर भगवान तो उधर है, बाबा दिखाई नहीं पड़ रहे, दूल्हा सरकार। तब तक बाबा कहे गण दिखाई पड़ा। देवियों ने गण को देखकर कहा नमस्ते, कहां है? गण ने पूछा कौन? अरे हो दुल्हा सरकार कहाँ है? गण ने कहा देखने का बहुत मन हो रहा है ना, कम ऑन फॉलो मी, आइए आइए पीछे पीछे आइए, अभी लेके चलता हूं। सारी देवियां उस गण के पीछे जाने लगी। दूर बाबा नंदी पर विराजमान है, खोपड़ी की माला पहने, सांप का सिंगार किए। गण ले जाकर देवियों से कहा देखिए उधर वही बैठे अपने वाहन पर। और गोस्वामी जी कहते हैं जैसे देवियों ने, तभी किसी ने ढकेल दिया, क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं शंकर भगवान को देखने के बाद जितनी देवियां थी, अरे देखी शिव ही सूरतिया मुस्कान
देवियां सोची ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है, कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इतने खतरनाक दूल्हे के साथ। तब तक शंकर भगवान को ये आवाज सुनाई पड़ी। शंकर जी ने गणों से पूछा कौन आया है। गण बोले प्रभु आपको देखने के लिए भीड़ लगी हुई है, अपना चेहरा दिखा दीजिए एक बार प्रभु। जैसे गणों ने कहा, प्रभु ने तुरंत बाबा ने सांपों का पूंछ हटाकर अपना चेहरा दिखाया। और जैसे शंकर भगवान एक बार केवल मुस्कुराए, जैसे बाबा का चेहरा दिखाई पड़ा सभी देवियां भाग गईं। देवताओं को बाबा के स्वरूप के बारे में पता चला, देवताओं का चेहरा उतर गया। देवता आपस में, बताओ हम 2 महीना से फेसियल कर रहे थे, 2 महीना से ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमारा मेकअप कौन देखेगा, सारा मेहनत बेकार हो गया। विष्णु भगवान सभी देवताओं को दिग्पालों को बुलाकर बोले देखो दूल्हे के लायक उसकी बारात नहीं सजी है। ये नहीं बोले कि बारात लायक दूल्हा नहीं है, बर अनरूप बारात न भाई, ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी मिसमैच हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले तब, विष्णु भगवान बोले तब नहीं, सभी देवता दिग्पाल अपना अपना जमात एकत्रित करिए और दूल्हे को छोड़िए आगे बढ़िए। इंद्र बोले क्या बोल रहे हैं, दूल्हे को छोड़कर आगे चले जाएं, दूल्हा का क्या होगा, वो बाद में आते रहेंगे, आप लोग आगे बढ़िए। सभी देवता, देखिए विष्णु भगवान ऐसे नहीं बोले, विष्णु भगवान जानते हैं कि भगवान शंकर देवताओं के भी स्वामी है, दानवों के भी स्वामी है। विष्णु भगवान सोचे हम लोग जब तक रहेंगे तब तक बाबा की वो दूसरी पार्टी आने वाली नहीं है, और उनका भी अधिकार है कि उनके स्वामी के उत्सव में वो भी सम्मिलित हो जाएं। विष्णु भगवान सोचे यदि हम लोग आगे चले जाएंगे तो उनको भी आने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, इसलिए देवताओं से कहे आगे बढ़िए। सभी देवता भगवान शंकर को कैलाश में छोड़ के चले गए। जिस नंदी पर बाबा विराजमान थे, नंदी ने देखा बराती भाग गए, नंदी ने कहा बाबा बराती भाग गए, जिनके लिए आप वेट कर रहे थे वो आपका वेट नहीं किए, चले गए छोड़ के, एक बार डमरू बजाइए मैं सबसे आगे निकल जाऊंगा। शंकर जी बोले कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो, कोई नहीं जाएगा। बृंगी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु बराती चले गए, बिना बराती के दूल्हे का क्या मतलब। अब शंकर जी बोले प्यारे जो आनंद अपने ग्रुप में आता है वो दूसरे के ग्रुप में आनंद मिलने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ। गण ने कहा प्रभु अपनी पार्टी को तो इनविटेशन दिया नहीं गया था। शंकर जी बोले हमारी पार्टी को कोई इनविटेशन से नहीं बुलाता है, बेचारों को आज तक एक कार्ड नहीं मिला। कोई भी अपने घर में बेटी बेटा का शादी करता है तो कार्ड में नाम नहीं लिखता, श्रीमान भूत जी भूतनी जी। बिटिया के विवाह में सब परिवार आशीर्वाद देने आइएगा, कोई नहीं बुलाता। शंकर जी बोले हमारे वाले बिना बुलाए जाते हैं, आवाज लगाओ सब आएंगे। ब्रिंगी ने तुरंत निकाला झोली से तुतुहिया, फूंका कैलाश पर, हारा हारा महा दिशाओं से आवाज आने लगी, हराय हर महादेव, हराय हर महादेव। कौन बोला ये हरन महादेव, कौन बोला? मैं आप लोग को नहीं पूछ रहा हूं, आप लोग बोले कौन बोला भूत। इसमें से कई लोग बोले हम बोले। किसने बोला? नॉट ओनली भूत, दे आर विद देयर फैमिली। भूत के साथ भूतनी, प्रेत के साथ प्रेतनी, हाकना के साथ हाकनी, डाकना के साथ डाइन, के साथ डाइना।
डाइन के साथ डाइना, चुड़ैल के साथ चुड़ैला, चुड़ैला, निशाचर, निशुचराइन। और ये न समझिएगा कि केवल राजस्थान वाले भूत प्रेत आए थे, पूरे विश्व के भूत प्रेत आए हैं, पूरे वर्ल्ड के। 5,000 भूत तो केवल अमेरिका से खाली आए थे बस। सरकार 9-9 फुट, 10-10 फुट के भूत, 5,000 गोरे गोरे एक जगह खड़े, सब आपस में बात कर रहे हैं। हाउ आर यू माय डियर, एवरीथिंग इज फाइन नाउ, आई एम सो हैप्पी टुडे, आई एम फ्रॉम सिनसिनाटी, यू, आई एम फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी, नाइस टू मीट यू हियर। अंग्रेज भूत वही बगल में वेस्ट इंडीज से भी आए थे, वो किसी को दिखाई नहीं देते थे जब तक हंसते नहीं थे, हंसे तो दांत दिखाई पड़े। इंग्लैंड के भूत, पंजाबी भूत, पंजाबी भूत केवल एक ही बात कहे, सड्डे नाल रहोगे तो ऐस करोगे। बंगाली भूत, काऊ के छाड़ बोना आज के। राजस्थानी भूत, थारो मारो दाल बाटी चूरमा। गुजराती भूत केवल एक ही बात बोले, सूछे सूछे सूछे। बिहारी भूत, का जिला बिहार में घर बात कौना बात का डर बा। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए, बाबा कहते हैं शिव अनुशासन सुनि सब आए। जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीष तिन्ह नाए। जय शिव शंकर जय भोला, हरि नाना वाहन नाना वेशा। जय शिव शंकर जय भोला, बिहसे शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर जय भोला, को मुखहीन बिकुल मुख काहू। जय शिव शंकर जय भोला, अब बिनु पद कर को बहु पद पाहू। जय शिव शंकर जय भोला, बिपुल नयन को नयन बिहीना। जय शिव शंकर जय भोला, बिपुल नयन को नयन बिहीना। जय शिव शंकर जय भोला, कृष्ण पुष्ट कुंवर नखीना। जय शिव शंकर जय भोला, हरे कृष्ण पुष्ट कुंवर नखीना। जय शिव शंकर जय भोला, तनखीना को बराती है, बराती है, बराती है। देखिए बराती आ गए, देखा आपने टाइमिंग, देखिए टाइमिंग। जैसे बाबा के गण आए, बाबा देखकर गदगद हो गए। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं नाना वाहन नाना वेशा। जितने प्रकार के बराती हैं उतने प्रकार की उनकी गाड़ी है। सभी गणों ने आकर सबसे पहला काम किया, भगवान शंकर को दंडवत किया। सबसे पहला जो गण आया वो अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था, ये गर्दन के ऊपर का पोर्शन हाथ में। किसी बराती का मुंह गायब, किसी का मुखे मुख बना है, किसी का आंख नहीं, किसी का आंखें आंख, किसी का हाथ नहीं, किसी के शरीर में हाथे हाथ, किसी का पांव गायब, किसी के पेट में पांव। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई चपटा है, कोई गोल है, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है। समानता क्या है? दो, सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है। गोस्वामी जी कहते कपाल कर, खोपड़ी लेकर क्यों आए हैं सब भूत? उनका बर्तन है, सोचे कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा तो इसी में रख के पाया जाएगा।
मैं का दिखाई जरा एक बार दिखाना। जय हो प्रभु। कोनो माई भूत का चेहरा लेकर के आई, वो देखिए उधर देखिए। माइयो बराते में से है एक। अच्छा पहनने के लिए माई लाई है कि कोई पहन लेगा। जय हो जय हो। हाँ हाँ, तो जिसको बरात बराती बनना हो पहन लो। सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है। समानता क्या, गोस्वामी जी कहते किसी बराती का मुख कुत्ते जैसा, किसी बराती का मुख गधे जैसा, किसी बराती का मुख सुअर जैसा, किसी बराती का मुख सियार जैसा। अब इसमें समानता क्या है, कुत्ता सुअर गधा सियार सबके मुख लंबे लंबे होते हैं। चपटा मुख किसी का, सबके मुख लंबे लंबे होते हैं। सारे बराती लंबे मुख वाले क्यों आए हैं? अभी तो माइक है, यदि अपनी आवाज दूर तक पहुंचानी हो तो क्या करना पड़ता है? हाथ लगा के बोलना पड़ता है, लंबा करना पड़ता है, आवाज दूर तक जाती है। बाबा के जितने बराती हैं सबका नेचुरली मुंह लंबा लंबा है। क्यों? कैलाश में बैठकर हर हर महादेव यदि कह दे तो हिमांचल जी के घर के भीतर तक आवाज पहुंच जाए, इसलिए सारे बराती लंबे लंबे मुख वाले। अकौनो चुप नहीं है। नाच ही गाव ही गीत परम तरंगे भूत सब देखत अति विपरीत भूलही बचन विचित्र। सारे भूत प्रेत नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आप कल्पना करिए, कुत्ता गधा सुअर सियार एक साथ गाने लगेंगे तो कितना मेलोडियस साउंड निकलेगा है? बाबा की बारात चली कैलाश से, भूत प्रेत नाचना प्रारंभ किए, गाना प्रारंभ किए। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चले। सारे भूत प्रेत नाचते गाते चले, बीच बीच में हर हर महादेव कहते जा रहे हैं। जिस गांव के निकट से बाबा की बारात जाती है, बारात आने के पहले पूरा गांव खाली। लोग सुने कि भूतों की बारात आ रही है, लोग अपना परिवार लेके भाग लिए। भिलवाड़ा वाले सब उदयपुर भाग गए। भागो यहां से ना, तो एक भी भूत का माइंड यदि डिस्टर्ब हुआ ना, फिर भगवान मालिक है। बारात पहुंची नगर के बाहर। आज भी हमारे यहाँ नियम है कि कन्या पक्ष के बुजुर्ग लोग हाथ में माला लेकर के और द्वार पर जाकर बरातियों को माला पहना करके स्वागत करते हैं, उनको अगुवान कहते हैं। हिमांचल जी के नगर से अगुवान हाथी घोड़ों पर बैठकर पहुंचे नगर के द्वार पर।
सबसे आगे देवताओं का समाज दिखाई पड़ा। इतना सुंदर बारात देखकर अगुआन नाचने लगे। आपस में चर्चा करते हैं कि जीवन में इतना सुंदर कभी बारात नहीं देखा, लेकिन एक समस्या है, इनमें से दूल्हा कौन है? हो क्यों न कोई घोड़ी पर बैठा है न कोई डोली पर बैठा है, दूल्हा समझ में ही नहीं आ रहा है, दूल्हा है कौन? सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। हरि ही देख यति भय सुखारी। एक बूढ़े बाबा विष्णु भगवान के पास जाकर बोले, नमस्ते, आपको आप ही है ना? विष्णु भगवान पूछे, कौन? देखिए देखिए, आप छिपा नहीं सकते, हमारी तेज नजर बता रही है कि आप ही दूल्हा है इसमें। सही बोल रहे हैं ना, आप ही दूल्हा है ना? विष्णु भगवान बोले, अरे बाबा, हम बराती है, बराती दूल्हा सरकार तो अभी पीछे से आ रहे हैं। वो बाबा बोले, आप बराती हैं? जिस बारात के बराती इतने सुंदर है, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा? बाबा लगे नाचने। ब्रह्मा जी मनी मन बोले, नाच लो बाबा, नाच लो, नाच लो, जब तक बारात नहीं आ रही है, दूल्हा नहीं आ रहा है, नाच लो। दूल्हा देखोगे तो नाचोगे नहीं, भागोगे यहां से। देवताओं का स्वागत समारोह प्रारंभ हुआ। सबके लिए एक एक माला, एक प्लेट फल, एक प्लेट में मिष्ठान और ग्लास में नाना प्रकार के फलों का रस था अलग अलग। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को जमा करके बोले, जल्दी जल्दी सब लोग माला पहनिए और जलपान करिए, जल्दी करिए, कोई विलंब नहीं करेगा। क्यों? ये स्वागत समारोह वाले तभी तक है जब तक पीछे की पार्टी नहीं आ रही है। बाबा का समाज पहुंचा तो जितने माला पहनाने वाले सब भाग लेंगे। देवताओं का स्वागत समारोह प्रारंभ हुआ। गले में माला, मिष्ठान, फलों का रस ग्लास में, तब तक बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ी। क्या? बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, अकरम बम बोलो जय शिव जय शिव, अकरम बम बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, अरे बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। सारे भूत प्रेत अकड़म बम बकड़म बम 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 गाते गाते आ रहे। अगवानों के कान में ये बम बम की आवाज सुनाई पड़ी। एक देवता से एक अगवान ने कहा कि पीछे बराती छूट गए हैं क्या, और ये बम बम आवाज आ रही है दूर से। देवता तो समझ गए कि पीछे वाली पार्टी आ गई। देवताओं ने अगवान से कहा, उस देवता ने अगवान से कहा, देखिए किसी भी प्रकार के साउंड पर ध्यान मत दीजिए, आप लोगों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, अपना सारा फोकस हमारे पे लगा के रखिए। गले में हमको माला मिल गया है, सिर पे टोपी मिल गया है, अब गिलास पर हमको जलिए इसमें मैंगो जूस दीजिए हमको। अब उस बराती के देवता के गिलास में भगवान सरकार आम का रस दे ही रहे थे जग से, तब तक एक भूत आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। और जैसे भूत आकाश में दिखा, अब ये नीचे गिरने लगा। देवता बोले, नीचे देखो, गिर रहा है। अगवान ने कहा, नीचे छोड़ो, ऊपर देखो, आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं, धरी धीरज तह रहे सयाने। जितने अगवान गए थे बड़े बड़े लोग, धीरज धारण करके खड़े हैं। भूत प्रेतों ने आकर पीछे से ठोका, कहा हम लोग को माला नहीं मिलेगी। अगवान बोले, आपको डबल मिलेगी, आप लोग का डबल वेलकम होगा। अब भूतों का स्वागत शुरू हुआ। सरकार स्वागत कर रहे हैं, अगवान मन में कह रहे हैं कि प्रभु आज भर जिंदा बचा दीजिए, आज यदि हम जीवित चले गए यहां से बच के तो कसम खाते हैं जीवन में कभी दोबारा किसी को माला पहनाने हम नहीं जाएंगे, कहीं प्रभु आज बचा लीजिए।
वहां छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने। बच्चों ने जब भूत प्रेत को देखा, बच्चे भगे घर की ओर, बालक सब लय जीव परा। बच्चों ने जाकर सबसे पहला काम किया, घर का दरवाजा मेन गेट बंद किया। माता पिता बोले आज के दिन गेट बंद नहीं करते, खोल के रखते, खोलो गेट। बच्चे बोले बंद कर कर माई, बंद कर, ना तो एक भी घुस गया ना घर में, एक भी घुस गया घर में तो तू भी मरेगी, बाबूजी भी मरेंगे, हम भी मरेंगे। माताएं बोली क्यों? बच्चे बोले मरवाने के लिए भेजी थी वहां पर। माताएं बोली बारात देखने के लिए। बच्चे बोले बारात नहीं आई है माँ, यमराज की फौज आ गई है, जमकर धार किधौ भरी आता। माताएं बोली दूल्हा? बच्चे बोले माई दुल्हावा तो बौराहा आ गया है। बौराहा समझते हैं, बौराहा पागल दूल्हा। आज तक जो भी दूल्हा आया मैया सोना चांदी पहन के आया, ये पहला दूल्हा हमने देखा है जो सांप बिच्छू पहना है। आज तक जो भी दूल्हा आया पाउडर लगाकर आया, ये श्मशान का भस्म लगाकर आया है। आज तक जो भी दूल्हा आया माँ, उसके साथ सुंदर सुंदर लोग होते थे, इसके साथ सब रात वाले दिन में दिखाई दे रहे हैं। भूत प्रेत पिशाच हाकनी हाकना डाकनी डाकना डाइन डाइना चुड़ैल चुड़ैला सब नाच रहे हैं माँ। और हम आपसे बताएं माँ, उसकी विशाल जटाएं हैं और कुछ नहीं पहना है, नंगा चला आया है, नगन जटिल भयंकर। अरे नंगा क्यों आ गया? गणों ने बाबा को बागंबर पहनाया था ना, कहिए, सांप से बांधा भी था। लेकिन आपको बताऊं, जब भूत प्रेत कैलाश में आकर नाचने लगे सरकार, तो जो सांप महाराज बंधे थे कमर में, वो डिस्टर्ब हो गए। बोले बताओ सब आनंद लूट रहे हैं, हमको ऐसे जगह सब ड्यूटी पे लगा दिए कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। एक घंटे तक उस सर्प ने कंट्रोल किया, एक घंटे बाद कंट्रोल छोड़ दिया और बाबा के कमर से निकलकर वो भी नाचने लगे। बाबा का बागंबर वहीं खुल के गिर गया रास्ते में। शंकर भगवान भी बोले चलो बहुत अच्छा हुआ। बच्चे कहते मां नगन जटिल भयंकर, जो बहुत पुण्यशाली होगा वही बारात देखकर जीवित बचेगा। मां ऐसी बारात आ गई है, कमजोर दिल वाला देख लेगा, देखते अटैक आ जाएगा, मर जाएगा। बच्चे थर थर कांपते हैं, माताएं हंसती हैं, उनको पता नहीं। देखिए एक निवेदन करूं आपसे, दूल्हा तो अटपटा है ये सबको पता है, लेकिन कितना अटपटा है ये किसी को नहीं पता है, ये केवल एक व्यक्ति जानता है। पता है वो कौन है? नारद जी महाराज। अगुआ बिचौलिया केवल जानते हैं कि दूल्हा कैसा, किसी को नहीं मालूम। शंकर भगवान पहुंचे द्वार पूजन के लिए, मैं ना मैया सखियों के साथ हाथ में स्वर्ण थाल लेकर आरती का, अरे मैं ना शुभ आरती सवारी सुमंगल गा वही नारी, मैं ना शुभ आरती सवारी सुमंगल गा वही नारी, कंचन थार सोहबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हर ही हर सानी, परिछन चली हर ही हर सानी, बिकट वेश रुद्र ही जब देखा, बिकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भय विशेखा, अबलन उर भय भय विशेखा, भागी भवन पैठी अति त्रासा, भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा, मैं ना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावही नारी, मैं ना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावही नारी, मैं ना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावही नारी।
कन्हैया हाथ में आरती की थाल लेकर जैसे द्वार पूजन के लिए पहुंची और बाबा का विकराल रूप दिखाई पड़ा हो, खोपड़ी की माला गले में, सर्पों का आभूषण, मां मैना का शरीर थर थर कांपने लगा, आहार से आरती की थाल वहीं गिर गई और मैना मैया बाप बाप चिल्लाते भीतर चली गई। एक बात कहें सरकार, ये कान भरने वाले सब जगह थे, उस समय भी थे। एक देवता ने आकर शंकर जी से कहा कान में धीरे से, बाबा आज तक इतना अपमान किसी दूल्हे का नहीं हुआ होगा, आपकी सास आई थाली पटक के चली गई बिना आरती उतारे। शंकर जी बोले, ससुराल मेरी है कि तुम्हारी है? मेरी ससुराल है ना, मेरे ससुराल का यही नियम है, यहां का यही नियम है, सास आती है दूल्हे का चेहरा देखती है थाली पटक के चली जाती है। जब हमको कष्ट नहीं हो रहा है भाई साहब, आपको क्यों कष्ट हो रहा है? जाइए मैंगो जूस पीजिए आप चुपचाप। एक एक कथा कह रही है माई बाप, एक बार जहां संबंध बन गया ना, फिर वहां कमी देख। ये नेपोलियन अलेक्जेंडर जेंगिस को घोड़ों पे बिठाया और हमें एक साथ टी पार्टी में। उस मरी का आइडिया होगा, लेट देम ईट केक। हम भी तो क्वींस लोग हैं, मैगजीन बैन कराते हैं और अपने सोशल्स पे डालते हैं। आई विल इनवाइट ऑल द क्वींस। मैडम, लुक एट मी। इनवाइट, कोलैबोरेट एंड क्रिएट टुगेदर फॉर सोशल मीडिया एट द स्पीड ऑफ सोशल मीडिया। आई एम कमिंग फॉर यू एंड माय आर्म्स। देखना, इससे इंस्पायर होके मार्टिन किताबें लिखे। होप ही डजंट स्पॉइल द एंडिंग। कैनवा, दिल से डिजाइन तक। एक रोने लगी, कहीं बेटी ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है, जो फल कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए ब्रह्मा जी ने आज उस फल को बबूल के वृक्ष में लगा दिया। मैं आपको लेकर पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, जल में डूब जाऊंगी, जगत कुछ भी कहता रहे मुझे, लेकिन अपने जीते जिस बावले के साथ आपका विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। इसी बीच में किसी दूसरी माता ने पूछ दिया मैना जी से, ये बताइए ये दूल्हा कौन बताया था? नारद जी याद आ गए मैना मैया को। अब मैना मैया ने नारद जी को इतना सुनाया है, साहब अरे नारद, याद कर मैं का बिगाड़ा। नारद का मैंने बताओ क्या बिगाड़ा था? मेरा बसा बसाया घर आज नारद के चलते उजड़ गया। ऐसे पागल दूल्हे के लिए मेरी बेटी को बोल दिए तपस्या करो? नारद की कोई बेटी नहीं है ना, वो क्या जाने बेटी की पीड़ा क्या होती है। जब मैना मैया नारद जी को भला बुरा कहने लगी, तब पार्वती मैया ने कहा, मां मैं आपसे पूछती हूं, क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं मां? मैना जी बोली, नहीं बदल सकती। तब पार्वती मैया ने कहा, मां यदि आप विधाता की लेखनी नहीं बदल सकती तो व्यर्थ में किसी को दोष देकर स्वयं कलंक की भागी क्यों बन रही है? संसार में कोई किसी का विवाह नहीं कराता, विवाह वही होता है जहां होने वाला रहता है। मैं धरती के किसी भी कोने में रहती मां, मेरे भाग्य में जो है वही मुझे प्राप्त होता। नारद जी गए हिमांचल जी के पास, वेद सिरा आदि मुनियों को लेकर और समझाया, महाराज आपकी बेटी जन्म जन्मांतर शिव प्रिया है, पिछले जन्म में सती थी, बात नहीं मानी शिव का, प्राण त्यागना पड़ा, आपके पुण्य से पार्वती के रूप में अवतार ली है। हिमांचल मैना जी प्रसन्न हो गए, नगर का पुनः श्रृंगार हुआ, बरातियों को भोजन कराया गया। मुहूर्त जानकर ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर सुंदर पिताम्बर वस्त्र धारण करके विवाह के मंडप में पहुंचे हैं। सखियां मेरी मां पार्वती जी को लेकर आई हैं। भगवान शंकर सिंहासन पर विराजमान हुए, मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया है। कोई भी आश्चर्य नहीं करेगा, गणेश जी कहां से आ गए? देवता अनादि है, न इनका आदि का पता न अंत का पता। मुनियों ने, मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवान,
को सुनि संशय करे जन सुर अनादि जिय जान। वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है, मुनियों ने सारी विधि कराई, पानी ग्रहण संस्कार हुआ। पानी ग्रहण जब वेद मंत्र मुनि पर उचर जय 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 शंकर सुर बाजहि बाजन विविध विधाना बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन दृष्टि नव भय विधिनाना सुमन दृष्टि नव भय विधिनाना हर गिर जाकर भयो विभाहु हर गिर जाकर भयो विभाहु सकल भुवन भरि रहा उछाहु सकल भुवन भरि रहा उछाहु दासे दास तुरग रथ नागा दासे दास तुरग रथ नागा धेनु बसन मनि वस्तु विभागा धेनु बसन मनि वस्तु विभागा पन्न कनक भाजन भरे संस्कार हुआ। त्रैलोक्य बोल पड़ा, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हिन महारानी की जय। हिमांचल जी ने भगवान शंकर को इतना दाइज दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के लिए मैना मैया ने बारंबार भगवान शंकर से क्षमा याचना की है। उसके बाद बरात के विदा का समय जानकर पार्वती मैया को नाना प्रकार से नारी धर्म का उपदेश करके माँ मैना ने पार्वती मैया को विदा किया। हिमांचल जी ने बरात को विदा किया है। भगवान शंकर बरातियों के साथ कैलाश लौटे। देवता अपने अपने लोक गए और मेरी माँ पार्वती के साथ बाबा कैलाश में नाना प्रकार से आनंद पूर्वक करहे विविध विधि भोग विलास गणन समेत बसहि कैलास। इसी प्रकार अनेक काल बीत गए। यही विधि विपुल काल ही चली गए। जब बहुत काल बीत गए तब यहां दर्शन करिए। माँ पार्वती की गोद में जो बैठे वो कार्तिकीय भगवान हैं, उनके छह मुख हैं। अनेक काल बीतने के बाद कार्तिकीय भगवान का जन्म हुआ है। ये देवताओं के सेनापति नियुक्त हुए और युद्ध में कार्तिकीय भगवान ने ताड़कासुर का अंत कर दिया। आज भी हमारे भारत में, दक्षिण भारत में आप जाइए, मुर्गन स्वामी के नाम से कार्तिकीय भगवान की वहाँ पूजा होती है, सेवा होती है। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ हम और आप भिलवाड़ा में बैठे बैठे बोलिए कार्तिकीय भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं पूरा जगत कार्तिकीय जी के जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ को जानता है, इसलिए मैंने संक्षिप्त में सुनाया। भगवान शंकर और माँ पार्वती जी के इस मंगलमयी विवाह की कथा को जो भी मनुष्य नर नारी कहेंगे अथवा गाएंगे, उस मनुष्य का, उस जीव का जीवन में सर्वकाल कल्याण ही कल्याण होगा, उस जीव का सदैव मंगल ही मंगल होगा। ये भगवान शंकर और माँ पार्वती के विवाह की फलश्रुति है। आज भिलवाड़ा में बैठकर हमने और आपने आज द्वितीय सत्र में बड़े भाव के साथ इस मंगलमय विवाह की कथा को हमने आपने गाया, श्रवण किया। मैं भी बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, हमारा आपका सबका भगवान शिव और माँ भवानी हमारा आपका मंगल करें, कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के बेला को हम और आप विश्राम दें। आज तो कैलाश में हम और आप बैठे रहें, कल अयोध्या में बैठेंगे।
कल यहाँ पर हम और आप श्री राम जन्म महोत्सव की कथा गाएंगे, कल भगवान का प्राकट्य उत्सव हम और आप मनाएंगे। तो कल ठीक मिलते हैं 2 बजे, तब तक के लिए हरे रामा रामा राम सीता राम, आरती के बाद जाइएगा। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ कहेंगे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कथा विसर्जन आज के प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जान के सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री सीता राम। हेलो, दोनों हाथ खड़े करके जय सियाराम जय सियाराम। आपको कथा में आनंद का अनुभव हुआ, आप सब बराती हो, मैं बाबूगिरी जी महाराज ने सबके लिए बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है, इसी प्रकार से कल राम जन्मोत्सव में आना है। आप लोगों को कथा में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे तो दोनों हाथ दिए परमात्मा ने ब्यासी महाराज के सम्मान में, जोरदार तालियां तो बजा दीजिए। कितने सुमधुर कंठों से आपको भगवान शंकर और पार्वती का बारात का दर्शन कराया है। इंग्लैंड लंदन अमेरिका कनाडा जापान के नाना प्रकार के भूतों को यहाँ पर बुला दिया, लेकिन आप निडर होके जाइए क्योंकि यहाँ पर भगवान की कथा हो रही है, न तो भूत आएगा न प्रेत आएगा। आइए, कल आवास स्थल पर जो भगवान का पूजन अर्चन का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमान गोविंद जी सोडानी, हाँ अभी ले जाएंगे, वो मंच पर आएंगे। श्रीमान सत्यनारायण जी काबरा, राम जी अजय जी गुजर, आप पहले तीनों मंच पर पधार जाएं, उसके बाद मैं जिनके नाम बोल रहा हूँ व्यासपीठ से उनको आशीर्वाद मिलेगा और वही लोग यहाँ पर आरती में रहेंगे, बाकी अन्य लोग ऊपर आने की कृपा न करें। मैं बाबूगिरी जी महाराज के निर्देशन में बहुत ही सुंदर दिव्य भव्य कथा का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। श्रीमान गोपाल जी राठी साहब कृपया मंच पर पधार जाएं। प्रहलाद राय जी अजमेरा, श्याम कुमार जी डाट, प्रहलाद जी जबर, दिलीप जी गोयल सीए, डॉक्टर अजय जी गर, महेंद्र जी गबरानी पार्षद, रमेश जी खोईवाल, सूरज जी बिड़ला, उमा देवी जी सोनी, सत्यम जी शर्मा, शिव जी जबर सीए, गिरिराज जी बजाज, गोपाल जी जोशी एसीडी, श्रीमती विद्या देवी जी व्यास, आप कृपा करके जल्दी से आ जाएं। हाँ, पहले सम्मान हो जाएगा, सम्मान के बाद आरती होगी, जल्दी से पधार जाए। पहले सम्मान आशीर्वाद लीजिए, उसके बाद जल्दी आ जाइए आप। गोविंद जी आगे पधार, डॉक्टर साहब आगे आ जाओ, जल्दी से पधार जाए, आ जाओ, जोड़े को इसी प्रकार से पकड़ रहे ना, आगे बढ़ जाएंगे, आगे पधार, जय श्री कृष्ण। हाँ, इनको आने दीजिए आरती। हाँ, पहले तीन यजमान, हाँ तीन ये हैं, हाँ उसके बाद, हाँ ओके। श्रीमती विद्या देवी जी आ जाइए, सने सने आएंगे। कल ठीक 2 बजे राम जन्मोत्सव की कथा होगी और दोनों ही द्वार पर प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई है। पारिक परिवार खजूरी वाले, उनकी तरफ से प्रसाद वितरण की व्यवस्था है। पुष्पा देवी जी और प्रसाद में सहयोग उनका है,
पितृपक्ष चल रहा है, 5,100 रुपए की राशि उन्होंने भेंट की है। जिनका नाम लिया कृपा करके वो ही मंच पर आएंगे, अन्य लोग आने की कृपा न करें। आज जोड़ के निवेदन है, मंच की थोड़ी मर्यादा है। हमारे बीच में संत हाथीपाटा आश्रम के संदास जी महाराज, हमारे पंचमुखी बालाजी के प्रमुख पुजारी श्री मुरारी जी हमारे बीच में विराजमान हैं, कई महापुरुष यहाँ पर विराजमान हैं। लेटे हुए सांवरिया हनुमान मंदिर के दर्शन भी करेंगे और मुरारी जी द्वारा जो राम मंदिर का निर्माण उनके भक्तों के सहयोग से किया जा रहा है उनके भी दर्शन का लाभ मिलेगा। श्रीमती विद्या देवी जी अजय, जिनका नाम लिया वो ही आएंगे। नाम है क्या आपका? हाँ प्रहलाद जी, अजमेरा को आने दो, अजमेरा जी को आने दो, अजमेरा जी को आने दो, आइए। जिनका नाम है वही आए। जिनका नाम लिया कृपा करके वही आएंगे। आरती के तुरंत बाद जैसा कहा गया, वैसे आरती का लाभ लेकर ही स्थान को छोड़ना चाहिए, इसकी विशिष्ट महत्ता है। कृपा करके प्रसाद लेकर आरती के दर्शन करके फिर ही प्रस्थान करना चाहिए। कल आज अभी जो भगवान को अपने आवास पर ले जाएंगे, गोविंद जी सोडानी जी, सत्यनारायण जी काबरा, रामराज जी, अजय जी गुजर। अब रोक लीजिए यहीं, भैया जी यहीं रोक लीजिए, कान जी अठी रोको। श्रीमती विद्या देवी जी व्यास, हाँ बाकी सब नीचे पधार जाएं आप, केवल आरती वाले, अन्य अन्य सदस्य नीचे पधार जाएं आप लोग, आप नीचे पधार जाएं, केवल आरती वाले जिनके नाम लिए वो ही रहेंगे यहाँ पे। प्रहलाद जी अजमेरा साहब, श्याम जी डाट साहब, प्रहलाद जी जवर साहब, दिलीप जी गोयल साहब, डॉक्टर अजय गर्ग जी, महंत घबरानी जी पार्षद, रमेश जी कोईवाल, सुरेश जी बिड़ला, उमा देवी जी सोनी, सत्यम जी शर्मा, शिव जी जमर सीए, गिरिराज जी बजाज, गोपाल जी जोशी एसीडी, एसीडी वाले गोपाल जी जोशी और श्रीमती विद्या देवी जी व्यास। छोटे छोटे बच्चों को, भैया जी नीचे आ जाइए आप लोग, जिन्होंने दर्शन कर लिया, जिनका जिनको आशीर्वाद मिल गया, कृपा करके नीचे पधार जाइए आप। और जिनका नाम लिया, डॉक्टर साहब आप यही रुके, आगे बढ़ जाइए आप, डॉक्टर साहब आगे बता रहा, आप आगे बताए। ओम आरती मृग मदले पर चंदन मृग मदले
बदले पर ताले शुभ कारी ओ हर 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 श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 करमधे सुखमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर हर ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ध्यावत सविवेका स्वामी ध्यावत सविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य तीनोवेका ओम त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी भाव सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हर 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 मन भज शिव ओंकारा मन रथ शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर धाकी धारा ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय दंत देवास्वारि धर्माणि प्रथमानि सन्नतेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वै साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रपालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नारासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्कारो स्टॉल।